हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बादल। मैं तो आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, थंबनेल पे तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम आज तिरकिट की स्पीड को फास्ट करना सीखने वाले हैं। थंबनेल पे आप लोगों ने अजीब सा देखा होगा कि तिरकिट तो बजानी आती है लेकिन उसकी स्पीड नहीं बढ़ा पाते। बिल्कुल सही बात है कि मुझे पता है कि दोस्तों आजकल चैनल पे बहुत सारी लोगों ने वीडियोज़ बना रखा है कि तिरकिट सीखे, तिरकिट सीखे, तिरकिट सीखे, और गारंटेड है कि बहुत लोग तिरकिट सीख गए होंगे। लेकिन वो अब उनके पास प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग स्पीड नहीं बजा पा रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उनका क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों, उसके अंदर मैं आप लोग को तीन पॉइंट समझाने वाला हूं। ये तीन पॉइंट को अगर आप समझ लेते हो तो तिरकिट को आप डेफिनेटली फास्ट कर लोगे। तो दोस्तों, इसका राज क्या है? सबसे पहले एक बेसिक सी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि तिरकिट फास्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब तिरकिट फास्ट होती कैसे है। पहले तो नेचुरल चीज जानो। मान लो जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने तिरकिट फास्ट कैसे करी होगी? जो हमारे लोग गुरु लोग हैं, जो लोग बहुत लोग दुनिया में जितने भी लोग बजाते हैं ढोलक, उन लोगों की तिरकिट फास्ट हुई कैसे? और आप लोग महीना, दो महीना, तीन महीने से तिरकिट बजा रहे हो, आप लोग की फास्ट हो ही नहीं रही, क्या कारण है? तो दोस्तों, ये तीन पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट पे समझते हैं, बहुत ही बेसिक पॉइंट है। इन सारे पॉइंट्स के अंदर ना मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस भी देने वाला हूँ, पहले समझ लो, नहीं तो बहुत लोग शुरुआत में भाग जाते हैं, बोलते हैं कि कुछ करना वीडियोज़ के अंदर है क्या। पहले यही समझ लो कि कुछ प्रैक्टिस भी आपको मिलने वाली है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगेंगी आपको पहले पता नहीं था। तो अब जान लीजिए, सबसे पहली चीज़ पर हम बढ़ते हैं कि दोस्तों, हम लोग जब भी स्पीड बढ़ाते हैं तो उसके अंदर में टेक्निक लोग नहीं फॉलो करते हैं। टेक्निक क्या होती है, उस टेक्निक को बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए, अब एक तिरकिट का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तिट्टी ता तिरकिट तक तिरकिट। सुनिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि हमको जोर नहीं लगाना है तिरकिट बजाने में, चाहे कोई भी पैटर्न हो उनमें जोर नहीं लगाना है बिना बात का। जोर कभी कभार लगाया जाता है कि मान लीजिए आपके माइक में साउंड नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को सुनाई नहीं दे, तब जोर लगाया जाता है ना जी। तो जोर नहीं लगाना, और वो जोर का मामला है क्या वो जल्दी से समझ लीजिए। अब मान लीजिए एक तिरकिट का हमने एग्जाम्पल लिया है, टिटिता तिरकिट तक तिरकिट। अब ये देखिए, इसके अंदर मैं जोर लगा रहा हूँ, बहुत लोग क्या बजाते हैं इसी तिरकिट को, ऐसे बजाएंगे, ऐसे ऐसे बजाते हैं। मैंने देखा है, मेरे खुद मेरे स्टूडेंट्स जो लोग ऐसे बजाते थे जब शुरुआत में मेरे पास आए थे, और जब वो कुछ दिन मेरे साथ रहे, कुछ दिन प्रैक्टिस किए, तो उन लोगों की तिरकिट ऐसे बजने लगी। देखिए, ये चाहिए, देखिए बिना जोर के, आपको लगा कि मेरे मैं ताकत लगा रहा हूं इसको लगाने के लिए, सब टेक्निक का खेल है। इतना फास्ट कैसे हो पाया? मैं जोर लगा रहा हूं, अगर आप पूरा हाथी का बल भी लेके आ जाओगे ना और ऐसे ऐसे बजाओगे तब भी नहीं बज पाएगा आप लोगों से। ये पहले बात मन से अपना निकाल दीजिए कि अगर आपके भुजाओं में बहुत ज्यादा ताकत है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लोगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप जानते हो कि अगर हाथ में भुजा में ताकत है तो, और सोचते हो कि आप तिरकिट बजा लोगे, थपकी बजा लोगे, बिल्कुल गलत है। टेक्निक का खेल है इसके अंदर। अब वो टेक्निक क्या है वो समझिए पहले। अब किसी भी तिरकिट, ये हर तिरकिट में और पैटर्न्स में ये होगा। अब मान लीजिए, अब आपको जोर लगा रहे हो तो अब इसको जोर को कम कैसे करना है, और टेक्निक को यूज़ करते करते आपको लंबे टाइम तक कैसे करना है? तो इसके लिए हमको दूसरे पॉइंट पे जाना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि हमको जोर नहीं लगाना है, जोर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या होगा कि हम जोर को कम करें और हम अपनी हाथों की स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट में सिंपल, तो दोस्तों ये हमारा दूसरा पॉइंट ऐसा है जिसके अंदर अगर आप तिरकिट बजाते हो ऐसे ऐसे करके, तिरकिट कई प्रकार की तिरकिटें बजाते हो, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये वाली फिंगर बहुत ज्यादा चलानी पड़ती है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम दूसरे पॉइंट पे हम लोग एक ऐसा प्रैक्टिस लेके आएंगे कि ये वाला फिंगर, ये जो है बहुत ज्यादा फास्ट चला, ये फास्ट चलाना मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो प्रैक्टिस अगर आप करते हो 10 से 15 दिन करते हो तो बहुत ज़्यादा स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना शिद्दत से लगन से प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी आप क्रिकेट को फास्ट कर पाओगे। तो देखिए वो प्रैक्टिस हमारी क्या है, बहुत ध्यान से देखना है। प्रैक्टिस के बोल है धा तिट तिट तिट, फिर ता तिट तिट तिट। सुनने में तो ऐसा लग रहा है बड़ा अजीब सा है। अब यही तिरकिट, यही तिट तिट, इसको तिट तिट बोल रहे हैं, तो इसको फास्ट करते देखिए कि कैसे तिरकिट की तरह सुनाई देता है। देखिए धीरे धीरे मैं फास्ट करूंगा, फिर इसी चीज को आपको सीखना है। देखिए धा तिट 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 ता तिट 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 धा तिट 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 ता तिट तिट तिट। मेरी उंगली भी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, ऐसा बज रहा होगा, है ना। तो
धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करना है ना जी, जैसे जैसे क्लियर हो, है ना, तो ये इंक्रीज हो गया तो क्रिकेट भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि क्रिकेट के अंदर यही हाथ चलता है, ठीक है। इसके अंदर मैं जोर नहीं लगा रहा, हमारा पहला पॉइंट हमेशा याद रखना है, जोर कभी नहीं लगाना है, टेक्निक पे ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है। सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अब इसको सीख लेते हैं कैसे बजा है। धा ती सेंटर में, फिर ट, ठीक है, धा ती ट ती ट तिट, धा के बाद तीन बार तिट है, तिट तिट तिट, समझ में आ गया होगा। धा तिट तिट तिट, बस इतना ही है। फिर सेकंड लाइन में धा के जगह पे ता बजा दिया और सारा सेम, ता तिट तिट तिट, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ढोलक सीखने में क्या होता है ना, कि हम लोग कैसे सीखे ढोलक, हम लोग देख देख के सीखे कि अच्छा गुरुजी ऐसे बजा रहे, अच्छा हम भी बजा के देखे, तो सही बज जाता था। अगर वही गुरुजी अगर समझाते थे कि तिट को ऐसे मारना है वैसे मारना है, तो समझ में थोड़ा कम आता था, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। इसीलिए मैं दोस्तों, मैं तिट कहाँ मारना है वो कैसे मारना है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, अब आपको देख देख के समझ लेंगे मैं कैसे मार रहा हूँ, कि कैसा आवाज़ आ रहा है, सुनना है लीड लगा लगा के। अब मैं बताऊँगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे, सुनते नहीं हो अच्छे तरीके से, है ना, तो देख देख के करना है। देखिए कैसे बजेगा, ढा तीट तीट तीट, देखिए कैसे चल रहा है मेरा हाथ। फिर सेकंड लाइन, ता तीट तीट तीट, ठीक है, सिंपल बोले कर लोगे, इतनी सी प्रैक्टिस है। धा तिट तिट तिट, ता तिट तिट तिट, 10 दिन प्रैक्टिस कीजिए इस चीज का, 1 हफ्ता भी कर सकते हो, 1 हफ्ते के बाद आप क्रिकेट को हाथ लगाना इस प्रैक्टिस के बाद। अगर ऐसी सीधे क्रिकेट पे पढ़ोगे ना तो नहीं कर पाओगे। अब देखो हमारे पास जो लोग क्लास लेते हैं, तो मैं सीधे क्रिकेट नहीं देता हूँ, आप लोगों को क्या है कि क्रिकेट की वीडियो मिल जाती है, क्रिकेट पे हाथ मारने लग जाते हो, सुनने में बड़ी अच्छी, अरे वाजी वाह बहुत अच्छी लग रही है क्रिकेट, अब हम सीखते हैं इसी चीज को, सीखने जाओगे तो नहीं बजा पाओगे, है ना। अब देखिए मान लीजिए गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, इसीलिए क्रिकेट को बजाने के लिए हमको उसकी एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो ये उनमें से एक प्रैक्टिस थी। तो अब हम चलेंगे थर्ड पॉइंट के ऊपर, कि हम तीसरे पॉइंट के ऊपर, कि हम उस पॉइंट में क्या करेंगे। अब दोस्तों देखिए, वो भी एक प्रैक्टिस है हमारा थर्ड पॉइंट, बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिस है, जो कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा किया करता था इस प्रैक्टिस को। अब देखिए वो प्रैक्टिस कैसे होती है, उस प्रैक्टिस का बोल क्या है, मैं धीरे धीरे बजाता हूँ फिर उसको आपको मैं सिखाता हूँ। ये ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हाथ बहुत ज़्यादा फंसेंगे आपके, फास्ट नहीं कर पाओगे, मैं चाहता भी हूँ कि आप फास्ट ना कर पाओ, और जो लोग फास्ट कर पाएंगे साफ साफ बजा के, उन लोग के लिए और भी अच्छी बात है, ठीक है। प्रैक्टिस का बोल देखिए, धा तिर किट धा तिर किट धा धा तिर किट ता तिर किट ता तिर किट धा धा तिर किट, धीरे धीरे फास्ट करता हूँ, धा तिर किट धा तिर किट धा धा तिर किट ता तिर किट ता तिर किट धा धा तिर किट धा तिर किट, ठीक है, बहुत अच्छी, ये लड़ी की तरह लग रही है, लग्गी की तरह है ये, इसको आप लग्गी के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका यूज़ आपको प्रैक्टिस के रूप में करना है, आराम आराम से रियाज करना है, ठीक है। धा तिरिकिट धा तिरिकिट धा धा तिरिकिट ता तिरिकिट धा धा तिरिकिट। अब देखिए जो आपको बहुत काम आने वाली चीज़ें ना, ये आपको बोर करेंगी, ठीक है, जो चीज़ आपको ज़्यादा बोर करे उसको इतनी इंटरेस्ट के साथ कीजिए, इतना टाइम निकाल निकाल के कीजिए कि वो बोरियत लगे ही ना आपको, इतना उसके ऊपर काबू पा लीजिए। अगर काबू पालोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये क्रिकेट अगर आप बजा लेते हो ना, अगर थोड़ा सा आधा भी फास्ट कर लेते हो, आधे से आधा भी कर लेते हो फास्ट, तो आप बहुत अच्छी क्रिकेट बजा सकते हो। 1 से 2 हफ्ते प्रैक्टिस करना है आप लोग को इसकी साथ, है ना, पिछली वाली प्रैक्टिस को भी और इस प्रैक्टिस को भी। देखिए कैसे है, धा कैसे बजाना है, लिखा हुआ बोल मिल गया होगा, धा क्रिकेट धा क्रिकेट धा धा क्रिकेट ता क्रिकेट धा धा क्रिकेट, ज़्यादा कठिन नहीं है, बोल देखने में बड़े हैं, बाकी सारे सिंपल है, एक बार दिमाग लगा के करना है। देखो कैसे बजाए, धा तीर कीट धा तीर कीट, फिर उसके बाद धा धा तीर कीट, फिर उसके बाद ता तीर कीट, फिर से ता तीर कीट, फिर उसके बाद धा धा तीर कीट, समझ में आ गया हो। लेकिन बिगिनर्स होंगे वो लोग इतनी जल्द इतनी तेज में नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है। बिगिनर्स के लिए एक और बार मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। देखिए कैसे बजाए, बोल के हिसाब से, बोल को देख देख के बजाना है, धा तीर कीट, फिर से धा तिरकिट लिखा है, धा तीर कीट, फिर उसके बाद धा धा तिरकिट लिखा है, तो धा धा तीर कीट, फिर उसके बाद लिखा है ता तिरकिट, 2 बार,
ता ती र कीट, फिर से ता ती र कीट, फिर उसके बाद धा धा ती र कीट, बस इतना ही है प्रैक्टिस, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से रियाज करना, इसको मैं थोड़ा सा रियाज करवा देता हूँ, हाथ नहीं दिखेंगे आपको मेरे, लेकिन सुन सुन के करना है, स्लो स्लो देखिए। धा तीर कीट, धा तीर कीट, धा धा तीर कीट, ता तीर कीट, ता तीर कीट, धा धा तीर कीट, फास्ट करेंगे। धा तीर कीट, धा तीर कीट, धा धा तीर कीट, ता तीर कीट, ता तीर कीट, धा तीर कीट, धा तीर कीट, धा धा तीर कीट, ता तीर कीट, ता तीर कीट, धा धा तीर कीट। और तिरकिट बजाते समय अपना हाथ ध्यान देना कि थोड़े से हाथ पीछे हो, छाती थोड़ी सी निकली हो और पेट से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा हुआ हो, जिनके पेट नहीं वो नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा छाती को निकाल के बजाना है। धा तिर किट, धा तिर किट, धा धा तिर किट, ता तिर किट, ता तिर किट, धा धा तिर किट। लाइट भी फ्लक्चुएट हो रही है, तो ठीक है दोस्तों ये प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को करवा दिया है। ये तीन चीज़ें फॉलो कीजिए, इनमें से दो प्रैक्टिस है, और फर्स्ट मैंने शुरुआत में मैंने ये बता रखा था कि जोर नहीं लगाना, इस चीज़ पे ध्यान देना, और ये दो प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाएगी आप लोगों की। तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।